कई बार ऐसा होता है कि जब आप कई लंबे सफ़र पर हों और रास्ते में आपको कई बार ऐसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाता है कि रास्ते में आप किसी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को देखते हैं या किसी ऐसे लोगों को जो रास्ते में तकलीफ़ में आ गए हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन आप अकेले होते हैं और इस दौरान आप किसी से मदद कैसे लें, आप नई जगहों पर हैं, आसपास थाना कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, इन सब की जानकारी नहीं होती, तब आप काफ़ी असमंजस में पड़ जाते हैं कि और कैसे इसकी मदद करें, या आप खुद तकलीफ़ में हैं तो आप अपने लिए मदद कैसे मांगें। तो इसको लेकर आज मैं एक हाईवे में हूँ और मुझे कुछ चीज़ नज़र आई, मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों को बताना चाहिए। मैं बस्तर में रहता हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मुझे भी इस बात की जानकारी अभी अभी लगी और मुझे लगा जब मुझे इस बात की जानकारी अभी है तो मेरे तमाम दर्शकों को भी, पता नहीं कितने लोगों को इसकी जानकारी होगी और कितने लोगों को नहीं होगी, तो उन तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। एक अच्छी जानकारी है, इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसका उपयोग कीजिएगा। तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अभी मैं रायपुर से बिलासपुर के रास्ते पर हूँ, ये हाईवे है और इस हाईवे पर चल रहा था तो मेरे साथ में हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं, मोहसिन भाईजान। तो मोहसिन भाई जो हैं उन्होंने बताया कि रास्ते में कुछ खंभे लगे हुए जिस पर टेलीफोन का निशान बना हुआ है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस टेलीफोन के निशान का मतलब जानते हैं क्या। चूँकि बस्तर में हूँ, बस्तर से रायपुर के रास्ते जब भी हम आते हैं तो उस रास्ते पर मुझे कभी ऐसा टेलीफोन के निशान वाला ऐसा खंभा नज़र नहीं आया। चूँकि अब हम बस्तर के लोग कूप मंडूक होते ही हैं, अधिकतर ज़्यादा कुएँ के मेंढक की तरह, जो बस्तर से बाहर निकलते ही नहीं। मैं बस्तर में पत्रकारिता करता हूँ लेकिन मैं भी बस्तर से बाहर बहुत कम निकलता हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है। तो इन्होंने बताया, मोहसिन भाई ने, कि ये आपको रास्ते में किसी भी तकलीफ में अगर कोई मदद की आवश्यकता हो तो उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कैसे उपयोग करेंगे तो उन्होंने मुझे समझाया। तो मुझे लगा यार मेरे दर्शकों को, जब मुझे नहीं पता तो मेरे बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं जानकारी है या नहीं, तो जिन्हें जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है और जिन्हें जानकारी ना हो तो मैं सोचा उनके लिए कम से कम ये वीडियो तैयार किया जाए ताकि अगर वो कभी ऐसी स्थिति में फंस जाए और ऐसी व्यवस्था आसपास हो तो इसका फ़ायदा वो ले पाए। जो हाईवे बनते हैं आजकल, जो अपग्रेड वर्जन के, आप देखें सीसी सड़क वाला हाईवे है, हर जगह डामर की सड़क बनती है लेकिन सीसी सड़क है, रायपुर से बिलासपुर की तरफ अभी नई बनी हुई सड़क है, उसके किनारे इस तरह के आपको दो दो किलोमीटर के अंतराल में इस तरह के खंभे नज़र आएंगे जिसमें टेलीफोन का मार्क बना होगा। इसमें जब आप आएंगे पास में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस द बटन फॉर हेल्प, इस बटन को आप दबाइए मदद के लिए। जब आप इस बटन को दबाएंगे तब यहाँ पर लाइट जलने लगेगी जहाँ कॉल एक्टिव लिखा हुआ है, कॉल एक्टिव के ऊपर का लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये कॉल कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ ब्लिंक कर रहा है, इसमें लाइट जल रही है लगातार, इसका मतलब नेटवर्क अभी इसमें है, और यहाँ लाइट जो जल रही है लाल रंग की, इसका मतलब कि पावर ऑन है, मतलब ये सेटअप काम कर रहा है। जब आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ से आपको सामने वाले की आवाज़ आएगी, स्पीकर है और ये माइक है जहाँ से आप बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ से कॉल सामने आसपास जो भी टेलीफोन जो भी जो सेटअप होगा मदद के लिए, जो इन्होंने सेटअप लगाया होगा हाईवे वालों ने, वहाँ पर एक कॉल कनेक्ट होगी और वहाँ से सामने वाला जो बंदा है वो आपको रिसीव, आपको जवाब देगा, पूछेगा कि क्या तकलीफ़ है। आप यहाँ से अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं कि आसपास किसी की दुर्घटना हो गई हो, किसी के साथ कोई घटना हो गई हो या आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई हो, तो उसकी जानकारी आप देंगे, वहाँ से तुरंत जवाब भी आएगा और कुछ ही देर में आपके पास इस खंभे के आधार पर लोकेशन ट्रैक करके आपके पास जो मददगार हैं वो लोग पहुँच जाएंगे, जिसमें पुलिस की व्यवस्था या एम्बुलेंस की व्यवस्था या टो की व्यवस्था, इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं होंगी मदद के तौर पर वो आपको हाईवे में इस तरह से उपलब्ध करा दी जाएंगी, इसलिए सारी व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई। मेरे लिए नई जानकारी थी, मुझे लगा कि मेरे दर्शकों के लिए भी नई जानकारी होगी, कई दर्शकों के लिए, बहुत सारे जानकार दर्शकों के लिए जानकारी नहीं भी होगी, तो अगर ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और मुझे लगता है कि सभी हाईवे में इस तरह की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। जगदलपुर से रायपुर के बीच में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, तब उन्होंने उस वक्त 750 करोड़ रुपए में जगदलपुर से रायपुर धमतरी तक में
का जो 4 लेन सड़क की परियोजना की शुरुआत की थी, ये बात अलग है कि वो परियोजना अभी तक पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाई है। केशकाल घाट में अभी भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जगह पर ये सड़क बनकर कंप्लीट है। जगदलपुर से अगर आप रायपुर तक आएंगे तो 3 जगहों पर टोल प्लाजा भी चालू हो चुके हैं, जो नई बनी हुई सड़क के लिए टोल आपसे लेने लगे हैं। लेकिन जगदलपुर से रायपुर के बीच में मुझे ये व्यवस्था कभी नज़र नहीं आई। हो सकता है कि हो, मोहसिन भाई आपने देखा है क्या? नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे नज़र से चूक गया, मतलब है ही नहीं। तो जगदलपुर से रायपुर के बीच में हम टोल पटाते हैं और नई सड़क भी बन चुकी है, लेकिन उस बीच में ये जो सबसे ज़रूरी व्यवस्था है वो चालू नहीं की गई है। जबकि आप जगदलपुर से रायपुर से बिलासपुर के बीच में जो हाईवे है, यहाँ मुझे ये व्यवस्था नज़र आ रही है। लाल लाइट जल रही है, नेटवर्क का भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये व्यवस्था भी काम भी कर रही है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है मुझे लगता है कि हर हाईवे के किनारे होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या कोई व्यक्ति तकलीफ में आ जाए, राहगीर, तो उसे मदद के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं काम आए। अगर आपको लगे कि जानकारी नहीं है, इसे हर किसी तक पहुँचाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके आपका जहाँ घर है वहाँ से जो भी हाईवे पड़ता हो, क्या उस हाईवे में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो आप बताइएगा। नहीं होगा तो आप भी अपने आसपास के अधिकारियों से संपर्क कीजिएगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं उनके क्षेत्र में क्यों नहीं है। और जो लोग टोल पटाते हैं और उन रास्तों पर अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो मुझे लगता है उन्हें भी इस बात की शिकायत दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक व्यवस्था है और बेहतरीन व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था वाकई में हाईवे पर होनी चाहिए। लगे कि मुद्दा बहुत सटीक है, बहुत सही है, सार्थक है, इस पर बातचीत होना चाहिए, इस पर अपने विचार रखे जाने चाहिए, तो आप अपनी बात रखिएगा। लगे कि इस बात को हर किसी को पहुंचाना चाहिए, हो सकता है कि आप जानते हों, आपके कई साथी इस बात को ना जानते हों कि रास्ते पर टेलीफोन के निशान वाले खंभे क्यों लगाए जाते हैं, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ पर बातचीत किसी एक सही मामले पर, सही मुद्दे पर होती है, तो आप बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।